बीजेपी का एक विधायक दल राज्यपाल से मिला, लेकिन उसमें 70 की जगह 50 ही विधायक थे। आखिरकार क्या है कारण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुणाल घोष, प्रवक्ता, नेता तृणमूल कांग्रेस। कैसे देखते हैं मिसिंग विधायकों को अब आप? देखिए, भाजपा में तो इलेक्शन के पहले से ही एक अंडर करंट चल रहा है, वो आधी बीजेपी, तत्काल बीजेपी, फिर भी दिल्ली पैसेंजरी करने वाला परिजाई बीजेपी, वो तो अंडर करंट था, अभी भी है। तो उनका, हमारा पास जो इन्फॉर्मेशन है, उनका तो आदि बीजेपी जो है तत्काल के एक पार्ट, वो तो शुभेंदु को मान नहीं रहा है। तो इससे ज़्यादा हम यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग कल नहीं गया वो एक बात है, और जो लोग कल गया शुभेंदु के साथ, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो शुभेंदु को लीडर ऑफ द अपोजिशन पोस्ट में वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे कितने नेता हैं बीजेपी से जो तृणमूल कांग्रेस की ओर कवायद कर रहे हैं कूच करने की? आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी कॉमेंट ऑन दैट, बट लास्ट वीक आई हैव ऑल्सो टोल्ड दैट 5 to 6, 6 to 7 बीजेपी MLAs, दे आर विथ कम्युनिकेशन विथ TMC लीडरशिप, एंड एटलीस्ट 3 बीजेपी MPs, दे आर कीपिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ TMC लीडरशिप। अभी जिस तरह से TMC बढ़ रही है, क्या त्रिपुरा और मणिपुर की तरफ भी रुख कर चुकी है? देखिए, ये हमारा नेशनल प्रेसिडेंट ममता बनर्जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी वो देख रहे हैं। हम लोग इतना कह सकता हूँ कि इस असेंबली इलेक्शन को देखकर जो कई स्टेटों में जो ममता बनर्जी को चाहिए ऑल्टरनेटिव फेस, तृणमूल कांग्रेस को चाहिए उधर का, दूसरे स्टेट का भी जो आम आदमी होता है ना, वो भी सोचता है हमारा कन्याश्री होना चाहिए, स्वास्थ्य साथी होना चाहिए, दुआरे सरकार होना चाहिए, जो कई स्कीम्स है। तो एक डिमांड अब पब्लिक से उठ रहा है, वी वांट तृणमूल कांग्रेस, वी वांट दीदी इन डिफरेंट स्टेट्स। नाउ हमारा ऑल इंडिया न्यू जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, ही इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल द अफेयर्स रिगार्डिंग अदर स्टेट्स। एक और सवाल, IPAC अभी तक एक भूमिका में थी, लेकिन अब क्या 2026 तक किस भूमिका में होगी और प्रशांत किशोर होंगे कि नहीं उसमें? ये एक दल का पूरा स्ट्रेटेजिक पार्ट है, आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दिस पब्लिकली। एक सवाल और उठ रहा है बार बार कि क्या तृणमूल कांग्रेस में जो लोग शामिल होना चाहते हैं इन पार्टियों को छोड़कर, पार्टी किस आधार पर इन्हें वापस लेगी? देखिए, जो लोग TMC छोड़ के BJP में गया था, वो लोग ऑलमोस्ट ऑल दे आर नाउ भाजपा छोड़ना चाहता है। वो लोग कह रहे हैं वो जो पॉलिसीज है, एंटी बंगाल पॉलिसीज है, कोविड पॉलिसीज है, एक्सेट्रा, वो मान नहीं पा रहा है, वो छोड़ना चाहता है। ये एक बात है। और रही बात तृणमूल की, ये हम लोग पूरा दीदी का ऊपर ये डिसीशन है। कई लोग खत लिख रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, कार्ड से विजिट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑल द इंफॉर्मेशंस हम लोग टॉप लीडरशिप को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, और जो डिसीजन है वो दीदी का पास है। हम लोग एक बात क्लियर करके चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन के पहले बहुत सारे लोग तृणमूल छोड़ के भाजपा में गया था, और बहुत सारे वर्कर्स तृणमूल में रह गया था, मैक्सिमम तो तृणमूल में ही है, और जो लोग भाजपा में गया था गद्दारी करके, वो लोग भाजपा में रह कर तृणमूल को स्टैप करने का कोशिश की। लेकिन वो फाइट जैसे दिया हमारा वर्कर ने, लोकल लीडर्स ने, हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं। तो उनका कोई चिंता नहीं है, पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उनका जो फाइट है, उनका जो सम्मान है, उनका जो सेंटिमेंट है, वहाँ पर किसी तरह हर्ट नहीं होगा। राज्यपाल दिल्ली जा रहे हैं गृहमंत्री से मिलने के लिए, बंगाल में हो रही हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार पर रिपोर्ट फाइल करने के लिए। देखिए, वो शोले एक फिल्म था, वहाँ पर एक जगदीप वेरी रिस्पेक्टेड कॉमेडियन थे, सुरमा भोपाली, तो भाजपा में जगदीप धनखड़ जी सुरमा भोपाली का रोल में एक्टिंग कर रहा है। वो पहले परिवर्तन का कॉल दिया था, राज्यपाल पोस्ट में रह के राजभवन से वो ट्वीट किया था परिवर्तन, बंगाल का पीपल रिजेक्ट कर दिया। अभी वो कंस्पिरेसी में लगा हुआ है, जैसे 355, 356, उनका दिल्ली का जो रिश्तेदार है, जो लोग इलेक्शन के पहले दिल्ली पैसेंजरी कर रहे थे ना, तो उनको खुश कर रहा है वो लोग। तो सुरमा भोपाली भोपाल छोड़ के अभी दिल्ली गया है, हम लोग देख रहे हैं।
कॉमेडी शो का कंस्पिरेशन वाला पार्ट। एक और राजनीति है तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई सवाल जिनके जवाब मिलना भी बाकी हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।